दोस्तों, महान सिंगर लता मंगेशकर जी का निधन हो गया है और बहुत दुख है और हर जगह ये दुख फैला हुआ है और उनके इस निधन का दिन कोई नहीं भूलेगा। जब भी यह दिन आएगा लोग इन्हें याद करेंगे मरते दम तक। ये बॉलीवुड की ऐसी एक आवाज़ थी जो कि पूरी दुनिया में छाई हुई थी और इनकी आवाज़ के कायल हर कोई था। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी लोग इन्हें बहुत पसंद करते थे और आज यही वजह है कि इन्हें इतने सम्मान से इनके अंतिम संस्कार को किया जा रहा है और इनके सम्मान में बहुत बड़े बड़े दिग्गज सामने आए हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन साहब भी सामने आए, वहीं राज ठाकरे भी आए। साथ ही अपने देश यानी कि पूरे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब भी लता मंगेशकर की अंतिम संस्कार में शामिल हुए। इसी के साथ साथ जो जो नहीं पहुँच पाए हैं उन्होंने भी सम्मान दिया है अपने सोशल मैसेज के जरिए, अपने सोशल साइट के जरिए, क्योंकि आज की इस दौड़ भाग जिंदगी में ज़्यादा समय नहीं रहता है। आदमी कभी कभी मजबूर हो जाता है और वो वहाँ नहीं पहुँच पाता है जहाँ उसे पहुँचना होता है, पर दुख तो होता ही है। तो ऐसे ही दुख हुआ है जैकी श्रॉफ को भी, मिथुन चक्रवर्ती को भी, साथ ही मिथुन के बेटे को भी। मिथुन के बेटे की जानकारी तो आप सबको मिल गई होगी कि उनका दुख उन्होंने कैसे जाहिर किया है, लेकिन अब जब जैकी श्रॉफ और मिथुन दा का भी दर्द आया तब हमने सोचा कि आप सबको बता दिया जाए। अगर बात करें जैकी श्रॉफ की तो जैकी श्रॉफ ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दीदी की कुछ इस तरह की तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर को जैकी श्रॉफ ने अपने सीने से लगाया हुआ है और याद करते हुए गम में डूबे हैं और यह पोस्ट देखकर इनके फैंस इन्हें जिस तरह के कमेंट कर रहे हैं वाकई में हर किसी का दिल दहल जाता है। वहीं अगर बात करें बॉलीवुड के डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती की तो वैसे तो आप सब लोग जानते हैं कि मिथुन दा सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहते हैं और बहुत ही कम शोज या फिर इंटरव्यूज़ में नजर आते हैं, लेकिन दुख तो होता है ना। जैसे कि नमासी चक्रवर्ती ने अपने इंस्टाग्राम पर तो दुख जाहिर कर दिया, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती ने किस तरह से दुख जाहिर किया होगा ये आप खुद समझ सकते हैं। वो भले ही ना पहुंच पाए हों या फिर पहुंचने की कोशिश कर रहे हों या फिर बाद में उन्हें याद करें, पर दर्द तो हुआ है ना, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती की कई सारी फिल्मों में लता जी ने अपनी सुनहरी आवाज़ दी है जिन्हें भूल पाना वाकई में मुश्किल है। तो मिथुन चक्रवर्ती ने भी दर्द जाहिर किया है अगर हम लोग उन्हें अपने आप से अपने नज़र से देखते हैं तो, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती सोशल साइट पर तो एक्टिव नहीं है लेकिन दर्द तो हुआ होगा। तो मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ का दर्द लता जी के लिए